दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह। आज खबरों पर आने से पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। गौर से देखें इन तस्वीरों को। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी इश्तेहार, मोदी जी अपनी टीम के साथ मोर्चा संभाले हुए, और अब बोर्ड पर उकेरी इन इबारतों पर गौर फरमाइए। रुपए 450 में गैस सिलेंडर। चलिए इससे जुड़ी एक और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। राजस्थान बीजेपी का घोषणा पत्र है ये। ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है मोदी की गारंटी, नीचे वो वादे जिनको पूरा करने की मोदी गारंटी दे रहे हैं। उसमें से एक बड़ा वादा है पीएम उज्ज्वला योजना से सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर प्रदान करें। मोदी जी की गारंटी के बाद आपने उनके खासम खास श्री अमित शाह जी का इस मुद्दे पर बयान भी सुन लिए। चिंता मत करना, 5 साल तक गैस का सिलेंडर 450 रुपये में भाजपा सरकार देने का काम। और अब देखिए राज्यसभा में इस मुद्दे पर सरकार का लिखित बयान। राज्यसभा में जब पेट्रोलियम राज्य मंत्री से पूछा गया कि क्या सरकार ने राजस्थान में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है, अगर हां तो क्या उसे उत्तर प्रदेश समेत देश के दूसरे राज्यों में भी लागू किया जाएगा, तो इस सवाल के जवाब में पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने साफ साफ जवाब दिया। और क्या जवाब दिया? नो सर, There has been no such announcement by government in Rajasthan. पूरा मामला एक बार फिर से समझ लीजिए। पेट्रोलियम राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली से सवाल किया गया कि राजस्थान में माननीय मोदी जी ने जो 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की गारंटी दी है, क्या उसे दूसरे राज्यों में लागू किया जाएगा, तो राज्य मंत्री साहब ने पेट्रोलियम राज्य मंत्री साहब ने लिखकर जवाब दे दिया कि इस तरह की कोई घोषणा सरकार ने नहीं की है। कुछ समझ में आ रहा है ये गड़बड़ झाल? सरकार के मुखिया मोदी जी बड़े बड़े अक्षरों में 450 रुपए में गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर देने का वादा कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। उन्हीं की गारंटी को माननीय अमित शाह जी चुनावी मंच से दोहरा भी रहे हैं, और उसी मोदी जी की सरकार के राज्य मंत्री साफ साफ लिखकर कह रहे हैं कि सरकार ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। कांग्रेस सांसद और पार्टी के मीडिया जनरल सेक्रेटरी श्री जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा, चंबल की धार में मोदी जी की गारंटी को तलाश रहे हैं, मोदी की गारंटी चंबल में बह गई। जयराम रमेश जी ने अपने ट्वीट के साथ एबीपी न्यूज की उस खबर को भी शेयर किया जिसका शीर्षक है, संसद की चल रही शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने राज्यसभा में कहा राजस्थान में 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का उसका कोई इरादा नहीं है। मतलब ये पूरा मामला भी हर जेब में 15 लाख की तरह एक चुनावी जुमला ही साबित हुआ। राजस्थान के उन मतदाताओं के साथ आईएनसी टीवी की पूरी सहानुभूति, जिन्होंने माननीय मोदी जी की इस गारंटी पर यकीन करके बीजेपी को सत्ता सौंपा है। नमस्कार।